Assalamualaikum everyone, this is Abdul Rahman from Forest Star. So, आज का जो प्रोडक्ट है वो टेल का है और लैटिट्यूड के अगेंस्ट सीरीज में होने वाला है, लेकिन इस टाइम जो पेपर्स है वो एक अच्छे प्रोसेसर के अंदर आया हुआ है और प्राइसेस भी उसके नॉर्मल हैं, कुछ खास प्राइसेस में नहीं है, लेकिन अभी उसका हम रिव्यू देते हैं टाइम को जाए किए बगैर। ये मेरे सामने इस टाइम जो अवेलेबल है वो डेल का लैपटॉप है, लैटिट्यूड की सीरीज में आया हुआ। अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है डेल लैटिट्यूड 3480 है, मतलब 3480 इसका मॉडल नंबर है। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि बैक साइड कैसी है। बैक साइड पे इन्होंने तो इसी तरह मिडल में अपना लोगो दिया हुआ है डेल ने और छोटी सी ब्रांडिंग पेश की है। उसके बाद अगर बात करें कि बैक साइड कैसी है, ग्लोसरी टाइप तो नहीं है लेकिन खुदरी टाइप बॉडी है, स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी आ सकते हैं, ब्लैक कलर में आया हुआ है। अगर हम इसके हिंजिस की बात करें कि हिंजिस की क्वालिटी प्लास्टिक में आई है या अपना क्या नाम मेटल में लगाई गई है, तो इस टाइम जो हिंजिस क्वालिटी है वो प्लास्टिक में यूज़ की गई है, लेकिन अभी चेक करते हैं कि क्या हिंजिस क्वालिटी अच्छी है या नहीं। मैंने इसके LCD को ओपन तो किया हुआ है और ये अपना आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंजिस क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि LCD को आगे मूव इजिली नहीं हो रही जब तक आप उसको खुद फोर्स नहीं लाएंगे। बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी इजिली रिमूव हो सकती है, नहीं जी, बैटरी लिथियम बैटरी दी हुई है और यहाँ पे इन्होंने नीचे इसके हिंजिस की साइड के ऊपर इसके जो हीट रिलीज का ऑप्शन दिया हुआ है कि मदरबोर्ड को कूल रखा जाए ताकि मदरबोर्ड इसका हीट ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कि नीचे से बॉडी कैसी है, नीचे से बॉडी देखी जाए तो ये प्लास्टिक के अंदर आई हुई है, प्लास्टिक बॉडी में यूज़ किया गया है, इसको अच्छी क्वालिटी में यूज़ किया गया है और लगता है यूँ ही है कि मेटल टाइप है। और अगर स्पीकर्स की बात करें जाए तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड पर इन्होंने स्पीकर दिए हुए छोटे छोटे और यहाँ पर इन्होंने रबड़ वगैरह लगाई हुई ताकि आप लैपटॉप जब नीचे रखें तो बैक साइड के ऊपर से स्क्रैचेस वगैरह ना आए। विंडो प्रो का यहाँ पर इन्होंने ब्रांडिंग दी हुई है। और हम राइट साइड पर बात करते हैं कि राइट साइड पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने एक VGA केबल दी हुई है, उसके बाद इन्होंने एक USB पोर्ट दी हुई है और यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन दिया है जो कि कैमरास में यूज़ किया जाता है। और अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर भी दो USB पोर्ट दी हुई है, एक HDMI केबल का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर एक ऑडियो जैक का ऑप्शन दिया हुआ है और ये मोटी पिन वाला चार्जर 65 वाट का चार्जर यूज़ किया जाता है इसमें, और यहाँ पर एक इंटरनेट पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि भाई इसके अंदर जो पोर्ट्स USB पोर्ट्स दी हुई हैं वो कितने MM की हैं, वो 3.00 MM की हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि अंदर से, कि ये अंदर से कैसा दिखने को है और क्या क्या चीज़ इसमें दी गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी अंदर से यहाँ पे, कि यहाँ पे इन्होंने स्टिकर एक दिया हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इंटेल कोर i5 7th जनरेशन के अंदर आता है और ये लैटिट्यूड की सीरीज में या लैटिट्यूड 14 से करके लिखा हुआ है। कीबोर्ड की बात करें तो लाइटिंग कीबोर्ड है या नहीं, जी बिल्कुल लाइटिंग कीबोर्ड दिया हुआ है। और ये जो इन्होंने ऊपर से इसके ऊपर एक ब्रीक सी पट्टी दी है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, अगर देखा जाए तो एक अच्छी, मतलब देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके अंदर ये क्यों दी हुई है, ये जो बैक साइड में आपको दिखाया था कि जो हीट रिलीज का ऑप्शन है ये उसके लिए दी गई है। यहाँ पर एक पावर बटन दिया हुआ है। कीबोर्ड की बात करें, न्यूमेरिक कीबोर्ड तो नहीं है लेकिन लाइटिंग कीबोर्ड और कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है। ये माउस पैड अगर देखा जाए तो वो भी एक अच्छा है, अंदर ही इसके अंदर बटन दिए हुए हैं। और अगर अंदर से बात करें तो सेम बॉडी जिस तरह बाहर से है वही बॉडी अंदर से है, खुदरी टाइप बॉडी है। अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो 14 इंच स्क्रीन साइज है और बेजलस स्क्रीन नहीं है क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा साइड पे इसको सपोर्ट के लिए पट्टियाँ लगाई नहीं है इसके, और ये कैमरा है इसके सामने। और अपना अगर बात करें तो इसके जो इन्होंने साइडों पर रबड़ दी हुई है ताकि जब लैपटॉप LCD पर ताकि जोर ना आए। यहाँ पर डेल की छोटी सी ब्रांडिंग दी हुई है और अब इसको मैंने ऑलरेडी पहले ऑन तो किया हुआ था, तो मैं इसको ऑन करके इसका पहले आप लोगों को प्रोसेसर बताऊंगा कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है और उसके बाद आपको बताऊंगा कि भी इसके अंदर जो कितनी GB हम लगवा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इस टाइम हमारे पास आया हुआ है वो इंटेल कोर i5 में 7th जनरेशन आया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर i5 है तो 1.9 समथिंग गीगाहर्ट्ज़ का होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका जो प्रोसेसर है वो 2.60 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर और 2.70 गीगाहर्ट्ज़ का एक प्रोसेसर है। अब हम बात करते हैं कि किस दिन और लॉन्च किया गया था, ये सितंबर के अंदर 2017 के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराया गया था, 2017 में 5 सितंबर के करीब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ये किस विंडो के लिए बेहतर बना हुआ है, ये विंडो 10 के लिए बेहतर बना हुआ है, इसमें विंडो 11 भी कर सकते हैं, चल भी जाएगी, लेकिन ये जो बेस्ट बनाया गया था जब तो ये विंडो 10 के लिए ही बनाया गया था। आप इसमें विंडो 8 विंडो 7 बात करें तो अच्छा है और विंडो 11 भी ना करें तो अच्छा, विंडो 10 के लिए बनाया गया तो विंडो 10 ही ज्यादा अच्छी सपोर्ट रहेगी इसकी। और हम बात करते हैं कि इसमें आप कितनी GB रैम लेके जा सकते हो, कौन सा मॉड्यूल लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर आप जो रैम को इजिली लेके जा सकते हो 16 GB तक तो इजिली लेके जा सकते हैं। DDR4 का मॉड्यूल लगा हुआ है इसके अंदर और इस टाइम जो करंटली इसके अंदर रैम इंस्टॉल की गई है वो 8 GB रैम है और DDR4 के अंदर इंस्टॉल की गई है। और अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसमें हार्ड कौन सी लगी हुई है, SSD
लेके आ सकते हैं, नहीं लगा सकते। जनाब इसमें SSD हार्ड भी आप लगवा सकना चाहें तो लगवा सकते हैं, वरना इसमें इस टाइम करंटली HDD लगी हुई है। 1 TB तक आप इजीली लेके जा सकते हैं क्योंकि ये भी 1 TB तक इजीली सपोर्ट करता है। आप इसमें SSD लगाना चाहते हैं तो SSD लगा लें, अगर आप 1 TB तक आप HDD लगाना चाहते हैं वो लगवा लें, वो डिपेंडिंग करता है कि आप पे। लेकिन मैंने आपको पहले अगेन टू से दोबारा स्टूडियो में बताता जाऊँ कि आप जब इतना महंगा लैपटॉप बाय करते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जब आप इतना महंगा लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम SSD को प्रेफर करा करें ताकि उसकी स्पीड में और इजाफा हो जाए। और हम बात करते हैं कि इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन की भी, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है भी देख के बताता हूँ मैं आपको कि स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना है। वैसे इसके अंदर 1 GB का इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, 620 का उसे बोला जाता है। उसके अलावा अगर बात करें इसमें LED कौन सी यूज़ की गई है, HD LED यूज़ की गई है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो HD ही है। अभी मैं आपको डिस्प्ले भी इसका चेक कराता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उसका डिस्प्ले कौन कौन सा। तो अभी मैं इसकी अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वही 98x720 इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आ जाता है। और अभी मैं इसके अंदर एक वीडियो प्ले करके देखता हूँ कि भी कैसा रिजल्ट देता है। हम उसका वॉल्यूम बंद कर रहे हैं क्योंकि अक्सर कॉपीराइट का इशू आ रहा था, तो हमने उसका वॉल्यूम बंद कर देते हैं। तो ये भी देखते हैं, अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो ये इस टाइम इसके अंदर एक HD मूवी है जिसको ये फुल एक HD ही तरीके से उसको दिखा रहा है। इसके पिक्सल नहीं, रेजोल्यूशन के जो पिक्सल है वो बिल्कुल नहीं ख़राब कर रहा। तो ये आप देख सकते हैं मूवी एक बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि वो बार बार हैंग कर रही हो, तो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। जिसका मतलब ये HD LEDs है और HD ही मूवीज़ को भी सपोर्ट ईजिली कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर इसका वॉल्यूम की क्वालिटी कैसे यूज़ की गई है। तो अभी वो यूज़ चला के चलाने लगे हैं और ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। मैं VLC मोड पे इसलिए यूज़ करता था ताकि हमें पता लग जाए कि वॉल्यूम क्वालिटी कैसी है। अभी मैंने इसको VLC मोड पे कन्वर्ट कर दिया है, वो भी देखते हैं कितनी देर में लगाता है इसको टाइम यूज़ करते हैं। पहले मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, 180 तक लेके जाऊँगा VLC पे। अब देखते हैं इसको, स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी स्पीकर क्वालिटी है। मतलब आप इजीली इसके ऊपर किसी से गाल करना चाह रहे हैं आप बात कर सकते हैं, आपको हैंड फ्री की यूज़ नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑडियो का भी सिस्टम है। और आप इसमें अपने स्पीकर भी लगे हुए हैं कि आपकी कॉल वहाँ जा भी रही है, आपकी और आपकी आ भी रही है। अगर कैमरे की बात करें तो वही कैमरा जो उसका रेजोल्यूशन जो होती है इसके 720 में दिखा रहा होता है। 720 मतलब फुल HD नहीं होता है, 720 मतलब ये है कि पिक्सल होते हैं उसके जिसमें आपको दिखा रहा है। और एक अच्छी क्वालिटी में आपकी आपकी जो आपका फेस होता है ये दूसरे बंदे को प्रेजेंट इजिली अच्छा कर रहा होता है। उसके बाद अगर हमने अभी वॉल्यूम को भी देखे, दोनों स्पीकर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप इस पर कोई अपना चेक कर रहे हैं कि भी आप किसी को कॉल करें या आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है, कोई इसलिए कोई मसला वगैरह इजीली नहीं है। चार्जिंग की बात करते हैं, बैटरी की बात करते हैं कि इसमें बैटरी कौन सी लगी गई है। बैटरी इसमें लिथियम बैटरी लगाई गई है और इसके अंदर 65 वाट के साथ चार्जर दिया जाता है। जो 65 वाट का चार्जर इसको इजीली चार्ज करता है, वो 1 घंटा 20-25 मिनट में इजीली चार्ज कर देता है लैपटॉप को। और जो बैटरी टाइमिंग की अगर बात करें तो हमने जो इसको प्रॉपर यूज़ करके देखा है 3.5 घंटे मिनिमम इसको लेके जा रहा है, 3 आवर 30 मिनट्स इजीली इसको से रनिंग में है। और अगर इस पर आप इंटरनेट यूज़ करके देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2 आवर्स प्लस इसकी बैटरी टाइमिंग देगा, मतलब 2.5 घंटे से ऊपर देगा। क्योंकि लिथियम बैटरी जितनी भी आती हैं उनको जो भी अपना कहना है बैटरी टाइमिंग की वर्किंग होती है वो बहुत ही अच्छी जाती है। और अब हम बात करते हैं कि भाई अपना इसके इसका वेट कितना है और ये साइज़ में दिखने में तो बड़ा लग रहा है। इसके अगर वेट की बात करें तो ये 1.72 kg का वेट है, मतलब 2 kg के राउंड बोर्ड नज़दीक है। और अगर हम सिंपल बात में बात करना चाहें तो 3 पाव जिसे कहते हैं, और 3 पाव कहते हैं सॉरी 1 किलो और 3 पाव जिस तरह बोला जाता है, ये उस तरह का इसका वेट है। और अगर बात करें कि साइज में कितना आता है, ये 14 इंच के अंदर आता है, 14 इंच इसका डिस्प्ले है और ये टोटल ओवरऑल भी 14 इंच में आता है। लेकिन लुकिंग में ऐसा लगता है कि ये कम से कम राउंड अबाउट इसका जो साइज़ है वो 15 इंच के करीब है। ऐसा कुछ नहीं है, 14 इंच के अंदर ही आता है इसके। अगर मैंने इसकी प्रॉपर चीज़ इसके हर चीज़ वगैरह नोट किया। और अब ये मैं बात करूंगा कि ये किस पर्पज़ के लिए बेहतर रहेगा और कौन इसको आप बाय करना चाहें। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं अपनी इस बजट के अंदर तो वो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि
कि ग्राफिक डिजाइनर ट्रेडिंग के अलावा कि भी और किसके लिए बेस्ट रहेगा, जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं आई टी या बी एस सी एस में, पूरे दुनिया में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग पर काम करना होता है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर कोई किसी का बजट ज़्यादा है और काम छोटा करना है जिस तरह के उसमें से ब्राउजिंग करनी है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है, डिपेंडिंग करता है एज अ बजट पे। तो अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, प्राइस रेशो क्या आने वाली है, प्राइस रेशो जो सिस्टम हर कंट्रीज में डिफरेंट चल रही होगी, हमारे कंट्री में डॉलर्स का इशू है तो इसलिए कभी ऊपर कभी नीचे होती है, तो भी राउंड अबाउट जो हमें इसकी प्राइस के नजर आ रहा है वो 50 प्लस ही होगी मार्केट के अंदर, 55 प्लस भी हो सकती है, 50 प्लस भी हो सकती है, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर ही आपको मिल रहा होगा, इंडिया में डिफरेंट प्राइसेस पे, बांग्लादेश में डिफरेंट प्राइसेस पे। अगर आप लोगों को किसी किस्म का भी इस लैपटॉप का सवाल हो तो आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हमारी कस्टमर सपोर्ट 24 आवर अवेलेबल होती है, हम लोग भी खुद भी अवेलेबल होते हैं, और अगर आप लोग किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।